अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज। पठान मूवी के चर्चे तो आप तक पहुंच चुके होंगे। सिद्धार्थ आनंद की जो मूवी आई है पठान, और जो कि रिलीज़ होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी, और बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी हुई और फेक रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखे गए। यानी कि आपने मूवी देखी नहीं और रिव्यू दे दिया कि मूवी अच्छी है या बुरी है। एक गाने से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी जो है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, या फिर इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी है? खैर नाज़रीन, जब मूवी रिलीज़ हुई तो पहले दिन ही 106 करोड़ का बिजनेस कर लिया है मूवी ने, जिनमें अगर हिंदी ज़बान की बात की जाए तो तकरीबन 55 करोड़ का बिज़नेस हिंदी ज़बान में, और बाकी जो है वो दूसरी ज़बानों में इस मूवी ने बिज़नेस किया है। और अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी कास्ट की, तो बिल्कुल इसकी सुपर हिट कास्ट थी, और ये कहा जा रहा है कि 2023 की सुपर हिट फिल्म्स में इस मूवी का नाम आ सकता है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको शाहरुख खान दोबारा स्क्रीन्स पे बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत दबंग अंदाज में नज़र आए हैं। और साथ ही साथ इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी जो इंडियन फिल्म सिनेमा है बॉलीवुड, उसकी भी वापसी है, क्योंकि बहुत अरसे तक कोई बहुत ज़बरदस्त मूवी नहीं बन रही थी। खैर इसमें जो अगर स्टोरी की थोड़ी सी बात करें, तो इसमें शाहरुख खान, उसके साथ साथ दीपिका और जॉन जो मेन मरकज़ी किरदारों में नज़र आ रहे हैं। शाहरुख खान जो है वो एक एजेंट हैं, अपनी एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली रॉ को, इंडियन एजेंसी को। और पाकिस्तानी जो एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो दीपिका हैं। और बड़ा मशहूर जो इसका ट्रेलर में भी देखा जा सकता है डायलॉग, जब वो पूछती हैं कि आर यू मुस्लिम, और पठान यानी जो शाहरुख खान किरदार अदा कर रहे हैं वो जवाब देते हैं कि भई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरे वालदैन मुझे सिनेमा घर छोड़ गए थे और आइडिया नहीं है कि मैं किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो इसमें बड़े ज़बरदस्त एक आपको एक्शन भी नज़र आएगा, इसमें आपको रोमांस भी नज़र आएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो कल्चर भी नज़र आएगा डिफरेंट ममालिक का। इसका शूट अगर बात करें तो इसको मुख्तलिफ ममालिक में शूट किया गया, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके कुछ मनाजिर अफ़गानिस्तान में भी फिल्माए गए हैं, तो वो भी खासा इंटरेस्टिंग देखने वाला सीन है। इसमें आपको पानी पे भी शूट जो है वो मनाजिर नज़र आएंगे, बर्फ़ पे भी, मंजमिन झीलों पे इसको जो है वो शूट किया गया है, तो खूबसूरत अकासी भी है। अगर बात करें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की, तो दीपिका का जो ड्रेस है उसको लेके खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई थी, और इंडिया में कहा जा रहा था कि जो ऑरेंज नारंगी रंग है जो कि दीपिका का ड्रेस का है, वो उनके लिए बड़ा एक ऑनरेबल कलर है, उनका मजहबी रंग है, और उसका इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए था। इसको लेके खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन देखा ये गया कि गुज़िश्ता चंद सालों में जो भी मूवीज़ आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करती नज़र आ रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। तो इंडियन कंट्रोवर्सी या फिर जो एक बगावत, वो सब चीज़ें फेल होती नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस मूवी को यशराज फिल्म्स ने स्पाई यूनिवर्स की जो सीरीज़ है उनकी, ये चौथी उसकी फिल्म है, जिससे पहले टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, ये भी बन चुकी हैं। और अगर बात की जाए सुपर हिट होने के हवाले से, तो बिल्कुल इस पे बहुत से जो फिल्मी दुनिया के स्टार्स हैं, तजज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मूवी सुपर हिट फिल्म जो है वो बन सकती है। नाज़रीन, अगर इसकी पाकिस्तान में थोड़ी सी यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी बात की जाए, तो पाकिस्तानी तो खैर कहाँ से अमन पसंद भी हैं। हमने जब कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उनकी राय लेने की कोशिश की, और ये पूछा कि क्या इस मूवी को पाकिस्तान में भी रिलीज़ होना चाहिए, तो बड़े खुले दिल के साथ अक्सर पाकिस्तानियों ने ये जवाब दिया कि मूवी को सिर्फ मूवी रहने दिया जाए, अना का मसला ना बनाया जाए, मज़हब को बीच में ना लाया जाए, कल्चर को बीच में ना लाया जाए, मूवी को मूवी के तौर पर देखें, इंटरटेन हों। और ऑफकोर्स जब एक मुल्क मूवी बना रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक की जो है वो जो भी उनका कल्चर है उसको ज़ाहिर प्योरली तो नहीं दिखा सकता। दूसरा इस पे एक ये एतराज़ भी हो रहा है कि पठान पाकिस्तान में कैसे दिखते हैं और मूवी में कैसे दिख रहे हैं, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी की वजह बन रही है। बहरहाल ये देखा गया कि जो जो मूवीज़ ये रीसेंट 2022 में भी, 2023 में भी, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उनके ऑन एयर किए जाने पे, उनके जो है वो स्क्रीन पे आने पे की जा रही थी, वो उतनी ही ज़्यादा फेमस भी हुई। और ये भी देखा जा रहा है कि अब इस मूवी की डिमांड के लिए वो सिनेमा जो कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाज थे, बहुत से ऐसे सिनेमाज़ को ओपन भी कराया गया है कि ये मूवी जो है वो उसको रिलीज़ होना चाहिए वहाँ पे, और जो कि कोविड की वजह से बंद कर दिए गए थे। तो इरसा कहें कि एक इरसा गुड जो एक आप बैक कह सकते हैं कि शाहरुख खान दोबारा स्क्रीन पे आए, उनके फैंस ऑलरेडी उनको मिस कर रहे थे, और साथ ही साथ जो है वो बॉलीवुड की भी वापसी हुई, तो इरसा गुड मूवी अगर आपकी एक्सेस में है तो ज़रूर देखें। आप तक कौन से रिव्यूज़ पहुँचें, क्योंकि मोस्टली रिव्यूज़ जो है वो फेक हैं, वो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।